अगर आप ग्रांटेड बरमूडे, केपरी, स्पोर्ट्स लोअर और टी शर्ट को पहनने का शौक रखते हो तो सीधे चले आए आराध्या कलेक्शन पर। यहाँ आप पाएंगे स्पोर्ट्स वेयर की विशाल रेंज। हमारा पता है आराध्या कलेक्शन, लंगर बीड़ी कॉम्प्लेक्स, इमली बाजार, खातेगांव। समय लगाया है कि अपना संगठन मजबूत हो। हम जानते हैं कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों से नहीं है, उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। ये चुनाव, मैं इसे उपचुनाव नहीं मानता, ये आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। और यही मेरा संदेश है मध्य प्रदेश के हर मतदाता को कि मध्य प्रदेश का चित्र उनके सामने है, 15 साल का चित्र उनके सामने है और हमारे 15 महीनों का चित्र, जिसमें से 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और 1 महीने उथल पुथल में, 11.5 महीने में जो हमने परिचय दिया अपने नीति और नियत का, ये चित्र उन सबके सामने है। कमलनाथ का साथ ना दें, कांग्रेस पार्टी का साथ ना दें, पर सच्चाई का साथ, ये सच्चाई पहचाने और सच्चाई का साथ दें, क्योंकि इस चुनाव, इस 27 सीटों का चुनाव जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश के भविष्य। कितना कलंकित हुआ है ये सौदे की राजनीति से, ये बोली की बनी हुई सरकार, जो सौदा किया गया। ये सब कहते हैं हमारे काम नहीं हुए, कमलनाथ हमें मिले नहीं, क्या ये जनता को कहेंगे कि हमने सौदा कर लिया इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया? ये तो नहीं कह सकते कि इन्होंने सौदा किया। तब कहेंगे कि कर्जा माफ नहीं हुआ। बात स्पष्ट है और मेरे पास इसकी पेन ड्राइव है, मैं सबको ये पेन ड्राइव देना चाहता हूँ। हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 26.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये है पेन ड्राइव जिसमें हर किसान का नाम है, उसका गांव है, बैंक का है, कितना कर्जा माफ हुआ। और लोग आरोप लगाएंगे, अभी ग्वालियर में बड़े बड़े भाषण हुए, जिन्होंने खुद कर्जा माफ के कार्यक्रम किए वो कहते हैं कर्जा माफ नहीं हुआ इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ दी। ये झूठ की राजनीति, मीडिया की राजनीति, ये अब अपने प्रदेश में चलने वाली है। आज का नौजवान जो है अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहता है, आज का नौजवान पहचानता है, आज का नौजवान जानता है कि उनके भविष्य के साथ 15 साल में कितना खिलवाड़ हुआ है। तो ये सब चीज़ें आज जनता के सामने हैं और ये जो प्रचार की राजनीति है, नौटंकी की राजनीति है, आज सब समझ रहे हैं कि कैसे हमारे संविधान और प्रजातंत्र से खिलवाड़ किया गया और इससे जुड़ा हुआ है भविष्य, अपने देश का भविष्य, कि मध्य प्रदेश में का ऐसा पहचान होनी